इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और रोजाना ही शादियों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के छपरा जिले से शादी से जुड़ी एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक दूल्हे राजा धूमधाम से बारात लेकर आए थे बड़ी बहन से शादी करने के लिए, लेकिन छोटी बहन ने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि दूल्हे राजा को अपनी होने वाली साली से ही शादी करनी पड़ गई। दरअसल शादी की रस्में शुरू हुई तभी दुल्हन की छोटी बहन छत पर चढ़ गई और बारात लेकर आए जीजा से खुद की शादी कराने की मांग करने लगी। ऐसा न करने पर छत से कूद कर जान देने की भी धमकी दी। छोटी बहन का ऐसा ड्रामा देख दुल्हन बनी बड़ी बहन ने भी शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन की बड़ी बहन के शादी के इनकार के बाद वर और वधु पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई, पंचायत हुई और फिर छोटी बहन के साथ दूल्हे राजा की शादी कर विदा कर दिया गया। दरअसल यह अजीबो गरीब मामला मांझी थाना क्षेत्र के भवौली गाँव का है। यहाँ छपरा शहर के राजेश कुमार की बारात भवौली गाँव पहुंची। यहाँ पर घरातियों ने बरातियों का जोरदार स्वागत किया। शादी की रस्में हुई रात के लगभग 11 बजे आंगन में रस्में चल रही थी, तभी दूल्हे से मन ही मन प्यार कर चुकी दुल्हन की छोटी बहन पुतुल कुमारी चुपके से छत पर चढ़ गई और छत से ही दूल्हे राजा को मोबाइल से फोन करके धमकी दी कि अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं छत से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। साली की ऐसी डिमांड सुनकर दूल्हे राजा के होश उड़ गए और मौके की नजाकत को देखते हुए दूल्हे राजा ने आनंद फानंद में अपने घर वालों और लड़की के परिवार को मामले की जानकारी दी। इधर दुल्हन को पता चला तो उसने भी शादी से इनकार कर दिया। इस पर घरातियों की बारातियों के साथ कहा सुनी होने लगी, बात मारपीट तक जा पहुंची। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और इसी बीच घरातियों ने दूल्हे राजा समेत रिश्तेदारों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मांझी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाद में पंचायत भी हुई। दोनों पक्षों के अलावा दुल्हन ने भी अपनी छोटी बहन पुतुल कुमारी के साथ दूल्हे राजेश कुमार की शादी कराने की हामी भर दी। इधर मारपीट होता देख शादी कराने आए पुरोहित भी गायब हो गए और बस फिर क्या था, लोगों की सलाह पर ब्राह्मण मुखिया पति ने सिंदूर दान की रस्म कराई और फिर दूल्हा होने वाले दुल्हन की बहन से शादी कर उसे लेकर लौट गया। इस बारे में गांव के लोगों ने बताया कि शादी तय होने के बाद लड़की की बातचीत दुल्हन की छोटी बहन पुतुल कुमारी से होने लगी थी और वह अपनी होने वाली साली को एग्जाम दिलाने के लिए भी लेकर जाता था। दोनों की फोन पर लंबी बातचीत होती थी और इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों अपने दिल की बात परिवार से नहीं कह सके, इसलिए ये ड्रामा शादी में हुआ।